हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू खबर बॉलीवुड। मनमोहन देसाई की फिल्म गंगा जमुना सरस्वती 23 दिसंबर 1988 में रिलीज़ हुई थी। मनमोहन देसाई वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने अमर अकबर एंथनी बनाई थी। उस समय ये फिल्म सबसे बड़ी हिट साबित हुई थी। मनमोहन ऐसा ही कुछ कमाल इस फिल्म के जरिए भी करना चाह रहे थे, लेकिन वो हुआ नहीं। फिल्म बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी। मास्टर डायरेक्टर मनमोहन जब ये फिल्म हिट नहीं करा पाए तो उन्होंने घोषणा कर दी थी कि वो उनकी आखिरी निर्देशित फिल्म होगी। इस फिल्म की स्क्रिप्ट तीन अभिनेताओं अमिताभ बच्चन, जितेंद्र और ऋषि कपूर को ध्यान में रखकर लिखी थी, लेकिन जितेंद्र ने फिल्म बीच में ही छोड़ दी। मनमोहन देसाई फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती को कास्ट करना चाहते थे। फिर इसके बाद फिल्म में कुछ खास बदलाव किए गए। अमिताभ बच्चन और मिथुन चक्रवर्ती को इस फिल्म में कास्ट किया गया। मनमोहन देसाई की डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में बिग बी ने गंगा, मीनाक्षी शेषाद्री ने जमुना और जया प्रदा ने सरस्वती का किरदार निभाया था। इनके अलावा फिल्म में अमरीश पुरी, निरूपा रॉय, गोगा कपूर और महेश आनंद जैसे कलाकार भी थे। अमर अकबर एंथनी के अलावा मनमोहन ने कूली, धर्मवीर, मर्द और सुहाग जैसी फिल्मों को भी डायरेक्ट किया है। मिथुन के किरदार में जुड़ने के बाद ऋषि कपूर का फिल्म में कोई रोल नहीं रह गया। ऐसे में मेकर्स के पास उन्हें फिल्म से बाहर करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इन सभी बदलावों को फिल्म के फ्लॉप होने का कारण माना जाता है। इस फिल्म की मूल कहानी और डायलॉग्स कादर खान ने लिखे थे, लेकिन मनमोहन देसाई और कादर खान में किसी बात को लेकर अनबन हो गई, जिसके बाद से इसकी स्क्रिप्ट को बदल दिया गया। इस फिल्म का बजट 8 करोड़ रुपए था, जबकि इसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन सिर्फ 5 करोड़ रुपए का ही किया था। इस वजह से फिल्म सुपर फ्लॉप साबित हुई थी। वेल फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक यू।